दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो वेक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर बाहर से आवाज आती तो माफ कर देना, दरवाजा बाजू में है तो थोड़ी आवाज ज्यादा होती है बाहर से। चलिए कोई बात नहीं, कल Realme ने Realme X7 सीरीज लॉन्च कर दिया, X7 और X7 Pro। प्राइसिंग के हिसाब से X7 मुझे ठीक लगा, लेकिन X7 Pro थोड़ा ओवर प्राइस लगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि X7 जो लॉन्च हुआ है तो उसे लें या Mi 10i ले लें, क्योंकि दोनों के प्राइजेस ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े हैं बट ज्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों के बीच में कि कौन किसको कहां पे बीट करता है, उनके बारे में बात करेंगे। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले ब्रांड वैल्यू से करें तो दोनों की ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। रियलमी की बात करो चाहे शाओमी की बात करो, दोनों टक्कर देने चाइनीज ब्रांड्स हैं इंडिया में, एंड एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, दोनों के फैंस हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। प्राइसिंग की बात करते हैं, दोनों में सेम वेरियंट्स है, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 6GB 128GB रियलमी X7 जो है वो 20,000 में मिलता है, जबकि Mi 10i पे जाओगे तो 22,000 पे आता है। जबकि अगर आप 8GB 128GB आओगे तो रियलमी X7 जो है वो 22,000 का है और Mi 10i जो है 24,000 का है। चलिए अच्छी चीज़ है, दोनों पे ICICI के कार्ड का 2000 का ऑफर है, तो लेते हो तो आपको 2000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। रियलमी X7 पे आपको एक्सिस बैंक का भी 1500 का ऑफर है, तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक है तो उस पर भी आपको 1500 का ऑफ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्राइसिंग के हिसाब से तो यहाँ पे रियलमी X7 थोड़ा चीप है, अब ये देखते हैं कि अपनी चीप प्राइस को भी जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। अब आएंगे डिस्प्ले और डिजाइन में। डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है। सबसे पहले रियलमी X7 में जाओगे तो उसमें आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड का पैनल मिलता है, जिसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं किया गया। पॉसिबली गोरिल्ला ग्लास 3 दिया हुआ है, लेकिन अभी तक मेंशन कहीं किया नहीं है। पंच होल के साथ आता है, 600 निट्स का ब्राइटनेस दिया हुआ है, अच्छी चीज है। देन उसके साथ साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। रियर साइड पे जाओगे तो प्लास्टिक मिलेगा। ट्रिपल कैमरा का सेटअप है और रियलमी की ब्रांडिंग है, देखने में स्मार्टफोन अच्छा लगता है। इसके बदले अगर आप Mi 10i में जाओगे तो वहां पे 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन एमोलेड नहीं है। यहाँ पे आपको IPS का पैनल मिलता है, लेकिन स्टिल आपको उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। देन उसके साथ साथ आपको HDR10 का सपोर्ट दिया हुआ है। तीसरी चीज, आपको रियर और फ्रंट दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, पंच होल के साथ ये भी आता है, एंड रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद हो। अगर आपको सुपर एमोलेड पैनल चाहिए तो आप रियलमी X7 की तरफ जा सकते हो, जबकि अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, HDR10 का सपोर्ट चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन चाहिए दोनों साइड पे, तो आप Mi 10i के साथ जा सकते हो। डिपेंड करता है दोनों में आप किसको प्रायोरिटी देते हो। दोस्तों इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, है अलग अलग चिपसेट्स। अगर रियलमी X7 की बात करोगे तो उसमें डायमेंसिटी 800U का चिपसेट आता है, 7nm बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी दे देगा, आपको परफॉर्मेंस भी दे देगा। 3,40,000 के आसपास इसका स्कोर आता है, एंड A76 और A55 वाले कोर्स हैं तो ठीक ठाक काम कर लेता है। माली G57 MC3 का GPU है, गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह हासिल कर लोगे। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है, जो कि Realme UI के साथ आता है, थोड़े से ब्लोटवेयर रहेंगे, डिलीट कर पाओगे। इसके बाद Mi 10i में जाओगे तो स्नैपड्रैगन 750G है, ये भी 5G चिपसेट है, अच्छी चीज़ है, एंड ये क्रायो 570 के ऊपर आता है, ठीक है। इसका भी स्कोर 3,30,000-40,000 के आसपास ही आता है, मतलब सेम स्कोर्स हैं दोनों के, परफॉर्मेंस में भी सेम है। अब एड्रीनो 619 के साथ आता है, गेमिंग ग्राफिक्स इसमें भी अच्छी कर सकते हो, ये भी एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है, जो कि MIUI 12 के साथ आएगा, थोड़े से ब्लोटवेयर्स रहेंगे, आप डिलीट कर पाओगे। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं दोनों में, अगर आपको स्मूथ चिपसेट चाहिए, स्मूथ 750G वाला, तो Mi 10i के पास चले जाओ। लेकिन अगर आपको 5G बैंड्स ज्यादा चाहिए, दोनों 5G हैं, लेकिन अगर आप देखोगे Realme X7 में 5 5G बैंड्स हैं, जबकि Mi 10i में देखोगे तो उसमें 2 ही 5G बैंड्स हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है कि बाद में जब 5G आए इंडिया में तो सपोर्ट करें। तो इस हिसाब पे आप देख सकते हो कौन सा, अगर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आप जा सकते हो Mi 10i की तरफ। अदरवाइज अगर 5G बैंड ज्यादा चाहिए तो आप Realme X7 को पिक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कैमरास की। कैमरा नंबर्स में आपको Mi 10i पॉसिबली बेटर लगेगा, लेकिन दोनों के कैमरास डिसेंट ही हैं। Realme X7 की तरफ जाओगे तो उसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो कि आपको ब्राइट GW1 का सेंसर मिलता है, अपाचर F1.8 का है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है, अच्छी चीज है। इसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है, जैसे मैंने कहा 4K कर सकते हो, रियर साइड पे फ्लैश दिया हुआ है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, जिसका अपाचर F2.5 का है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। डिसेंट कैमरा है, मतलब बहुत अच्छे, बहुत खराब नहीं, प्राइस के हिसाब से डिसेंट है।
इसके बदले अगर आप मी 10i में जाओगे तो वहां पे चार सेंसर है रियर साइड पे, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जिसका आप अपर्चर f1.8 का है, वहां से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बुके पैनोरमा जैसा सब कर लोगे, फ्लैश दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर उसमें भी है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ उसमें भी है। डेप्थ आपको रियलमी में नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाता है, यही एक प्लस पॉइंट है। फ्रंट में मी 10i में भी 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है जिसका अपर्चर अगेन 2.5 का है, f2.5 का, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाला वीडियो निकाल सकते हो, रियर साइड पे फ्लैश दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस एक डेप्थ सेंसर एक्स्ट्रा आपको मी 10i में मिलता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो दोनों डिसेंट ही है, ना कोई बहुत ज्यादा अच्छा ना कोई बहुत ज्यादा खराब। बैटरी भी आते हैं, बैटरी दोनों में ठीक ठाक है, 4000 mAh के ऊपर दी गई है। रियलमी X7 की बात करोगे तो उसमें 4310 mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ आपको 65W का चार्जर आता है, लेकिन सपोर्ट 50W ही करता है, टाइप सी का पोर्ट है और उनकी माने तो ये आपको 47 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगा। इसके बदले अगर आप मी 10i में आओगे तो उसमें 4800 mAh की बैटरी आती है, उसके साथ 33W का चार्जर आता है एंड उनकी मानोगे तो ये 58 मिनट लेता है फुल चार्ज करने में। दोनों टाइप सी है दिया हुआ, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो मी 10i की तरफ चले जाओ, फास्ट चार्जर अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो रियलमी X7 के पास, दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सेंसर्स की, सेंसर्स की बात करें तो दोनों में अपने अपने सेंसर्स हैं, लेकिन रियलमी X7 थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह जाता है। बेसिक सारे सेंसर्स है रियलमी X7 में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, कैमरा टू APA का सपोर्ट है एंड एक्सेलेरोमीटर एम्बेडेड लाइट सेंसर है, उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो तो मिल ही जाएंगे, उसका इशू नहीं है। लेकिन कुछ सेंसर्स जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं या फिर गायब है रियलमी X7 में, वो है मी 10i में। कौन कौन से? बाकी सारे तो मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर उसमें भी है, फेस अनलॉक उसमें भी है, वाइड वाइन L1, कैमरा 2 APA का सपोर्ट उसमें भी मिलता है, एक्सेलेरोमीटर एम्बेडेड लाइट सेंसर जायरोस्कोप वो भी उसमें मिल जाता है। अब मी 10i में एक्स्ट्रा क्या है, आपको 3.5mm जैक मिलता है जो कि बहुत जरूरी है एक मिड रेंज फोन के लिए। देन उसके साथ साथ उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और IR ब्लास्टर मिलता है, ये दो चीजें एक्स्ट्रा है जो कि आपको रियलमी X7 में नहीं मिलती दोस्तों। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली मी 10i जो है वो बाजी मार जाता है। बात करते हैं कार्ड स्लॉट की, कार्ड स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे भी मी 10i बाजी मारता है क्योंकि उसमें एक्सपांडेबल स्लॉट है, हाइब्रिड है, यानी दो सिम कार्ड लगाओ या फिर एक सिम कार्ड एक SD कार्ड, लेकिन एक्सपांड कर सकते हो, जबकि अगर रियलमी X7 में जाओगे तो वहाँ पे एक्सपांड नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ दो सिम कार्ड के लिए स्लॉट है, SD कार्ड के लिए स्लॉट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो बाजी मार जाता है। लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली 6GB 128GB 8GB 128GB दोनों में आता है एंड प्राइसिंग जो है 2000 रियलमी X7 में चीप है, 20000 और 22000 प्राइस है, जबकि आप मी 10i में जाओगे तो 22000 और 24000 प्राइस है। दोनों पे ICICI का ऑफ है तो अगर आप कार्ड लगाते हो तो 2000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो दोनों पे मिल जाएगा ना, तो प्राइसिंग दोनों की कम हो जाएगी। तो प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रियलमी X7 अपर हैंड रखता है दोस्तों। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि कौन सी चीज एट लास्ट, अगर आपको चीपर स्मार्टफोन चाहिए, सुपर एमोलेड का पैनल चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, ज्यादा 5G बैंड चाहिए और फास्ट चार्ज अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो रियलमी X7 की तरफ। लेकिन अगर आपको HDR10 का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन चाहिए, 108 मेगापिक्सल का सेंसर चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, 3.5mm जैक चाहिए, IR ब्लास्टर चाहिए, स्टीरियो स्पीकर चाहिए और एक्सपांडेबल स्लॉट चाहिए, आप जा सकते हो मी 10i की तरफ। मी 10i के पास पॉइंट्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप 5G देख के ले रहे हो तो आपको रियलमी X7 की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स चाहिए तो मी 10i ज्यादा बेटर है। डिपेंड करता है दोनों में आपको कौन सा पसंद आता है, उस हिसाब से आप पिक कर सकते हो। कौन सा आपको अच्छा लगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो पैक्ट में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरी आगे पूछ लो, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।